सो ये गाइस वेलकम बैक वंस अगेन फॉर ऑन दिस वीडियो गाइस। यार 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया और इसकी जो डेडलाइन रखी गई है ताकि कस्टमर को कोई असुविधा ना हो, जिसकी डेडलाइन थी 29 फरवरी और इसको बढ़ा करके 15 मार्च तक कर दिया गया। और मैं आप लोग बताता हूँ पहले कि हुआ क्या था, रीजन क्या था जिसकी वजह से आरबीआई को पेटीएम पे बैन लगाना पड़ा। मैं आप लोग बता दूँ, पेटीएम ने हमेशा से आरबीआई के जो केवाईसी नियम होते हैं हमेशा उसका पालन ना करके उसको ब्रेक किया है, मतलब हमेशा ही उसके रूल्स को तोड़ा है, जिसकी वजह से आरबीआई ने कई बार पेटीएम के ऊपर नोटिस जारी किया बट उससे कुछ नहीं बना। तो लास्ट डिसीजन आरबीआई का पेटीएम के ऊपर अब बैन लगा देता है, जिसकी जो डेडलाइन रखी गई थी 29 फरवरी को अब उसे बढ़ा करके ताकि कस्टमर अपने विड्रॉल या फिर जो भी करना हो, जो भी उनके पैसे फंसे हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, उसको उनके जो नॉर्मल या फिर लोकल खाते में उनमें ट्रांसफर कर लिया जाए, जिसकी अपडेट लाइन पड़ चुकी है 15 मार्च को। कई सर उससे पहले समझते हैं पेटीएम क्या है। पेटीएम पहली बार जब भारत में आया हुआ था तो वो बस एक रिचार्ज और बिजली के बिल बिल जमा करने के कुछ ऐसा ही कुछ प्लेटफॉर्म था, जिस पर कोई यूपीआई नहीं था, यहाँ पे कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं था, यहाँ पे कोई स्कैनर नहीं था, यहाँ पे कोई बार कोड नहीं था, यहाँ पे कोई स्कैन करने का कोई ऑप्शन नहीं था, बस था तो क्या एक मोबाइल रिचार्ज करना या फिर बिल्स भरना बिजली के, लाइक ऐसा ही कुछ। गई चार जब नोटबंदी हुई 8 नवंबर 2016 को, उसके दूसरे दिन 9 नवंबर 2016 को ही पेटीएम ने एक ऐड जारी करा जिसपे अवैध तरीके से मोदी जी की फोटो यूज करके उन्होंने एक ऐड चलाया न्यूज़पेपर सब जगह पे, अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। उसकी वजह से पेटीएम पहली बार कॉन्ट्रोवर्सी में आया, उसके बाद धीरे धीरे जैसा ना तैसा करके अपने क्यूआर कोड्स बेचे, मतलब दुकानों पे जाकर कि आप इसका यूज करो, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, आप ऑनलाइन पेमेंट्स करो, चलिए यहाँ तक ठीक था। गई सर आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया था पेटीएम को लेके कि आप जो भी करो सोच समझ के करो, एक दायरे में रह के करो, बट पेटीएम ने फिर भी उसको ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे आते आते आज डेट आ गया 31 जनवरी, मतलब आ गया था 31 जनवरी 2024 को, जहाँ पे पेटीएम के ऊपर अपने आरबीआई का फाइनल डिसीजन आ चुका कि उसे बैन कर देंगे। कई सर पहले आप समझो कि इसका जो डेट क्यों बढ़ाया गया, सर डेट बढ़ाने का मेन रीज़न यही था ताकि कस्टमर को कोई असुविधा ना हो, वो अपने जो पेमेंट जो अपने पैसे पड़े हुए हैं उसको आराम से अपने नॉर्मल या फिर लोकल खाते में ट्रांसफर कर ले। उससे पहले समझते हैं बैंक होते क्या है। बैंक जनरली कई प्रकार के होते हैं, 6-7 टाइप के, उसमें से एक होता है पेमेंट्स बैंक जो कि अपना पेटीएम है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जबकि नॉर्मल जो बैंक होते हैं लाइक HDFC, एक्सिस, बड़ौदा और फिर स्टेट, इन सब का कोई डिपॉजिट लिमिट नहीं होता, बट ये जो पेमेंट्स बैंक होते हैं इनमें डिपॉजिट लिमिट होता है कि आप 2 लाख से ज़्यादा इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो हमारे भी जितने भी नियम होते हैं सब वहाँ पे लागू होते हैं, बट अपने जो फ्री पेटीएम है जिसका हम लोग बहुत बड़े दीवाने हैं कि पेटीएम करो, ऐड भी चलती है पेटीएम करो, ऐसा कुछ साउंड है बहुत अच्छा लगता है सबको सुनने में। तो ये जो है रूल्स को ब्रेक करते हैं तो फिर जब आरबीआई से देखा नहीं गया उसने इस पर बैन लगा दिया। सिंपल सा जो मुझे फंडा समझ में आता है यही है। तो गाइस यार वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बस इसमें सिंपल सा ही रीज़न है कि अपने आरबीआई ने केवाईसी का नियम का पालन ना करने की वजह से अपने पेटीएम पे बैन लगा दिया। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपका भी कोई पैसा वैसा है उसमें, अगर आपको अभी तक न्यूज नहीं मिली तो आप उसे जल्द से जल्द विड्रॉल करके अपने किसी नॉर्मल खाते में कर लीजिए, वरना फिर 15 मार्च के बाद कोई भी सर्विसेज आप यूज नहीं कर पाएंगे या फिर आप जो भी पैसे फंसे हुए उसमें आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। सो प्लीज फटाफट लाइक और सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।